हेलो दोस्तों, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। दोस्तों, स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जाम की अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज के साथ साथ स्टेट सिविल सर्विसेज का एग्जाम भी देते हैं। भारत के किसी भी राज्य का कोई भी एस्पिरेंट जो सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहा है वो किसी भी राज्य का स्टेट का सिविल सर्विसेज का एग्जाम दे सकता है। कुछ चेंजेस रहते हैं, थोड़ा बहुत ही पैटर्न का डिफरेंस रहता है, क्या होता है, बाकी सिलेबस सारा सेम रहता है, थोड़ा बहुत एग्जाम पैटर्न में डिफरेंस होता है। किसी स्टेट में प्रीलिम्स की अगर मैं बात करूं तो प्रीलिम्स में सी सेट होता है, किसी स्टेट में नहीं होता है। उसके बाद बात करें मेंस की तो किसी स्टेट में मेंस में 4 पेपर है, किसी में 7 है, किसी में 8 है। तो थोड़ा बहुत पेपर का डिफरेंस है, पैटर्न का डिफरेंस है, और एक जो मेन डिफरेंस रहता है वो रहता है स्टेट की जनरल नॉलेज का, स्टेट की जीके का डिफरेंस यहाँ पे रहता है। तो अगर आप स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप किसी भी स्टेट का सिविल सर्विसेज का एग्जाम दे सकते हैं। और आपकी हेल्प करने के लिए, आपकी प्रिपरेशन में अपना योगदान देने के लिए अभिमन्यु आईएएस आपके लिए लेके आया है एक कंबाइंड स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जाम प्रिपरेशन कोर्स, जो कि आपको टोटली हेल्प करेगा स्टेट पीसीएस को क्रैक करने के लिए, स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपको टोटली हेल्प करेगा। चाहे आप किसी भी स्टेट के लिए प्रिपेयर करें, किसी भी स्टेट के लिए आपको हर स्टेट का जीके यहां पे कवर कराया जाएगा, हर स्टेट का जनरल नॉलेज आपको कवर अप कराया जाएगा बाय द एक्सपर्ट फैकल्टीज ऑफ द अभिमन्यु आईएएस। अभिमन्यु आईएएस जो कि पिछले 22 सालों से सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन की फील्ड में काम कर रहा है और 1500 से ज्यादा सिलेक्शन दे चुका है इन द फील्ड ऑफ सिविल सर्विसेज एंड स्टेट सिविल सर्विसेज। तो हमने आपके लिए लॉन्च किया है एक कंबाइंड स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जाम कोर्स, जिसके बारे में जानकारी मैं आपको अंत में दूंगा, क्या कोर्स के और फीचर्स हैं, ठीक है, क्या कैसे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, कैसे आप उसको देख सकते हैं, उसके बारे में आपको अंत में बताऊंगा। तो स्टेट सिविल सर्विसेज की बात करते हुए मैं आपको हमेशा किसी ना किसी स्टेट पीसीएस के बारे में जानकारी देता रहता हूं। तो आज का हमारा विषय जो रहेगा वो रहेगा झारखंड स्टेट सिविल सर्विसेज का एग्जाम। झारखंड की बात आज हम करेंगे, इससे पहले बिहार यूपी की बात हम कर चुके हैं, तो झारखंड की आज हम बात करेंगे। झारखंड सिविल सर्विसेज एग्जाम में क्या एलिजिबिलिटी रहती है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, क्या एग्जाम पैटर्न रहता है, क्योंकि मैंने बताया जैसे कि हर स्टेट में कुछ ना कुछ चेंजेस है। तो झारखंड सिविल सर्विसेज एक बहुत ही बेहतरीन, क्योंकि झारखंड सिविल सर्विसेज लास्ट 2016 के आसपास आया था, उसके बाद 17, 18, 19, 20 का कंबाइंड पेपर जो है 2021 में निकला हुआ है, ठीक है, अभी तक इसका पेपर नहीं हुआ है, ठीक है। पहले 2020 में भी निकाला गया था, झारखंड सिविल सर्विसेज का पेपर 2020 में निकाला गया, बट बाद में उसको कैंसिल कर दिया गया, 2021 में फिर से निकाला गया, हो सकता है कि 2022 में फिर से इसको निकाल दिया जाए। तो जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही एक अच्छा इनिशिएटिव। तो सबसे पहले तो झारखंड सिविल सर्विसेज का एग्जाम जो है ये झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है। सन 2000 में बिहार के 18 जिलों को अलग करके एक स्टेट बनाया गया, दैट इज झारखंड। झारखंड, अब झारखंड के अंदर यहां पे जो स्टेट सिविल सर्विसेज का एग्जाम होता है झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा ऑर्गेनाइज करवाया जाता है, दैट इज अंडर द आर्टिकल 315 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत में हर स्टेट के अंदर एक पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, तो झारखंड के अंदर भी है झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन। तो इसके द्वारा यहां पे एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है, किसका, झारखंड सिविल सर्विसेज का एग्जाम। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे थोड़ा सा और, सबसे पहले बात करें यहां पर क्वालिफिकेशन की। तो क्वालिफिकेशन, आपके पास एक ग्रेजुएशन का डिग्री होना चाहिए, भारत की किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से आपके पास एक स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा कुछ स्पेशल फील्ड भी आते हैं, स्पेशल वैकेंसीज भी आते हैं, उनमें आपको डिफरेंट डिफरेंट काइंड का क्वालिफिकेशन मांगा जा सकता है, एक ग्रेजुएशन की डिग्री। उसके बाद नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करो तो 2021 में जो नंबर ऑफ वैकेंसीज आई वो कितनी आई, 267। 2016 में जो आई थी वो भी लगभग 350 के आसपास की वैकेंसीज थी, ठीक है, 300 से 350 के आसपास की वैकेंसी थी। तो अच्छी खासी वैकेंसी यहां पे आपको देखने को मिल सकती है। आगे बात करें तो बात करते हैं यहां पे एज लिमिट की। देखिए, एज लिमिट की अगर मैं बात करूं, बेसिकली झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जो पोस्ट निकाली जाती है, हर पोस्ट में थोड़ा बहुत एज का डिफरेंस हो जाता है डिफरेंट, बट अगर मैं यहां पे जनरली बात करूं झारखंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की, तो मिनिमम एज जो है वो 21 ईयर की है, और अपर एज जो यहां पे रखा गया वो 35 ईयर का रखा गया है। और हां, अगर आपके पास कोई कैटेगरी है, अगर आप झारखंड स्टेट से ही बिलोंग करते हो तो आपको कुछ रिजर्वेशन भी मिल सकता है, कुछ कैटेगरी भी वाइज, तो वहां पे आपको कुछ रिलैक्सेशन मिल सकता है, वहां पे आपको कुछ एज का रिलैक्सेशन मिल सकता है। आगे बात करें तो पेपर पैटर्न की,
सिलेक्शन प्रोसेस की। सिलेक्शन प्रोसेस में यहाँ पे तीन पेपर रहते हैं, सबसे पहले प्रीलिम्स का एग्जाम, मेन रिटन एग्जाम और तीसरा पर्सनालिटी टेस्ट। मैं इनको दो फेज में भी मान सकता हूँ, इसको एक फेज ले सकता हूँ, इन दोनों को एक फेज भी ले सकता हूँ, जो कि यहाँ पे झारखंड द्वारा रखा जाता है। पर्सनैलिटी टेस्ट बोलो या इंटरव्यू बोल देते हैं हम, मेन का एग्जाम, मेन्स का एग्जाम और प्रीलिम्स का एग्जाम। अब बात करेंगे सबसे पहले प्रीलिम्स के एग्जाम की, प्रीलिम्स का पैटर्न देखते हैं। प्रीलिम्स का एग्जाम देखो तो प्रीलिम्स में दो पेपर होते हैं, जनरल स्टडीज के दो पेपर। सबसे पहले जनरल स्टडीज का पेपर वन होता है जो कि 200 नंबर करेगा, हालांकि दोनों पेपर ही 200-200 नंबर करेंगे, दोनों में ही दो घंटे आपको मिलने वाले, दो दो घंटे, ठीक है। एक क्वेश्चन जो होगा वो दोनों ही पेपर में दो दो नंबर का होने वाला है, दो दो नंबर का होने वाला है, यानी कि दोनों पेपर में 100-100 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। दो पेपर, जनरल स्टडीज पेपर वन, जनरल स्टडीज पेपर टू, पेपर वन हो या पेपर टू हो, दो दो घंटे का ड्यूरेशन रहेगा, 200-200 नंबर का पेपर है और दोनों में 100-100 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे दो दो नंबर के। अब बात करते हैं पेपर वन का, थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है। जनरल स्टडीज का पेपर वन है, इसमें क्या क्या आएगा, सबसे पहले आपको हिस्ट्री ऑफ इंडिया पूछा जाएगा, 15 क्वेश्चन आते हैं हिस्ट्री ऑफ इंडिया के, 5 एशियन के, 5 मेडिवल के, 5 मॉडर्न के आएंगे, ये पहले डिफाइन किया गया नोटिफिकेशन के अंदर। उसके बाद जियोग्राफी की बात करें, 10 क्वेश्चन आते हैं, जनरल जियोग्राफी से 3, फिजिकल जियोग्राफी से 3, इकोनॉमिकल जियोग्राफी से 2, सोशल एंड डेमोग्राफी डेमोग्राफिक 2 क्वेश्चन, तो ये ऑलरेडी यहाँ पे डिफाइन किया गया है। चलिए आगे देखते हैं, उसके बाद इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस से 10 क्वेश्चन आते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से 4 क्वेश्चन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गुड गवर्नेंस से 4 क्वेश्चन, डिसेंट्रलाइजेशन से 2 क्वेश्चन। उसके बाद इकोनॉमिक एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अगर बात करें तो 10 क्वेश्चन इसमें से आते हैं, 4 क्वेश्चन इंडियन इकोनॉमी के बेसिक फीचर से, 4 क्वेश्चन जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक इश्यूज से, एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड ग्लोबलाइजेशन से 2 क्वेश्चन। तो ये यहाँ पे ऑलरेडी ये पेपर पैटर्न में डिफाइन किया हुआ है, ठीक है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अंदर। उसके बाद साइंस एंड टेक की बात करूं तो 15 क्वेश्चन आते हैं, 6 क्वेश्चन जनरल साइंस के, 6 क्वेश्चन एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के, 3 क्वेश्चन इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़े तो झारखंड स्पेसिफिक जो क्वेश्चन होंगे, झारखंड की स्पेसिफिक जनरल अवेयरनेस जो होगी उसमें सोसाइटी कल्चर एंड हेरिटेज 10 क्वेश्चन ही आएंगे। उसके बाद नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट इवेंट्स यानी कि करंट अफेयर्स की बात हो रही है तो 15 नंबर के करंट अफेयर्स आपके सीधे 15 क्वेश्चन, सॉरी 15 नंबर के नहीं, 30 नंबर के हो गए एक्चुअल में, 15 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के। हम क्वेश्चंस की बात करें तो 15 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, ठीक है, टोटल 100 क्वेश्चन आने हैं और 15 क्वेश्चन बाकी के ये रहे, दैट इज अ जनरल क्वेश्चंस ऑफ मिसलेनियस नेचर, दैट इज नॉट रिक्वायरिंग सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन, जो ह्यूमन राइट्स को लेकर आ गया, पोर्ट्स को लेकर, डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर, पॉवर्टी एंड एम्प्लॉयमेंट को लेकर, अवार्ड्स को लेकर, यूनाइटेड नेशन को लेकर, ठीक है, उनकी एजेंसीज को लेकर 15 क्वेश्चन यहाँ पे ऐसे आ जाते हैं। तो टोटल क्या हुआ, हमने देखा 100 क्वेश्चन देखे हैं, 100 क्वेश्चन 200 नंबर के हैं क्योंकि एक क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर का है। ये रहा आपका यहाँ पर जनरल स्टडीज पेपर वन का पैटर्न। आगे बढ़ेंगे पेपर टू को देखते हैं, ठीक है, दैट्स नॉट मेन, ठीक है, मेंस नहीं है ये, जनरल स्टडीज के पेपर टू की अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या आता है, इसमें झारखंड का इतिहास पूछा जाएगा आपसे, झारखंड का इतिहास, इसमें आपके 8 प्रश्न पूछे जाएंगे, 8 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, देख सकते हैं आपको किस में से आएगा, एक क्वेश्चन मुंडा शासन से आएगा, एक क्वेश्चन नागवंशी से आएगा, एक क्वेश्चन जो आएगा वो पंचायत शासन से आएगा, एक मांझी परगना से आएगा, तो इस तरह से आपका ये रहेगा। उसके बाद 8 क्वेश्चन के बाद 7 क्वेश्चन आपके आएंगे झारखंड आंदोलन से, उसके बाद झारखंड की विशिष्ट पहचान से आपके आएंगे 5 क्वेश्चन, उसके बाद झारखंड का लोक साहित्य नृत्य संगीत इससे आएंगे आपके 5 क्वेश्चन, इससे आएंगे आपके 5 क्वेश्चन। इसके बाद आगे बढ़े तो झारखंड साहित्यकार से आपके आएंगे 5 क्वेश्चन, शिक्षण संस्थान से आएंगे आपके 3 क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो आगे आपके पास झारखंड के खेलकूद से आ जाएंगे आपके 5 क्वेश्चन, उसके बाद झारखंड के भूमि संबंधी कानून जो है उससे आएंगे आपके 12 क्वेश्चन। उसके बाद देखिए 1947 से राज्य में आर्थिक विकास जो हुआ, ठीक है, उसके बाद उससे ऊपर 10 क्वेश्चन आ जाएंगे, झारखंड की इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर आ जाएंगे 6 क्वेश्चन, ठीक है, और झारखंड के जो फेमस इंडस्ट्रीज है उनके नाम को लेकर आ जाएंगे 5 क्वेश्चन। तो ये हमने क्या देखा, ये पेपर टू है हमारा, ये क्या है हमारा पेपर टू। पेपर टू में इसके बाद झारखंड की प्रमुख योजनाएं स्कीम गवर्नमेंट की, ठीक है, फॉरेस्ट 5 क्वेश्चन, उसके बाद एनवायरमेंट को लेके, मिटिगेशन को लेके 7 क्वेश्चन, आपदा को डिजास्टर को लेके 5 क्वेश्चन, ठीक है, उसके बाद जो और घटनाएं होती रहती हैं, ठीक है, करंट अफेयर्स और घटनाएं इनको लेके 7 क्वेश्चन। तो ये टोटल जो हमने देखा ये 100 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे झारखंड के, ठीक है, सबका सब झारखंड था, यानी कि आपने क्या देखा कि झारखंड पीसीएस के अंदर सीसेट नहीं होता, यहाँ पे सीसेट का एग्जाम नहीं होता, ठीक है, जनरल एप्टीट्यूड यहाँ पे नहीं आता है, जनरल स्टडीज के दो पेपर होते हैं, एक झारखंड का लिखे होता है, एक नॉर्मल होता है। तो जनरल जो बेसिकली मैं यहाँ पे ये देख रहा हूँ कि जो हमारा झारखंड का स्टेट जीके है उसकी बहुत वैल्यू है यहाँ पे, उसकी बहुत वैल्यू है। उसके बाद बढ़ेंगे मेंस के ऊपर, दिस इज द मेंस, वो मेंस नहीं था, थोड़ा सा टाइपिंग एरर होगा टीम की तरफ से। तो
ये है हमारा मेंस का एग्जाम। मेंस में 6 पेपर होते हैं, मेंस में यहाँ पे 6 पेपर होंगे, ठीक है, जो कि टोटल नंबर होगा 1050 का, जो कि होगा 1050 का। अब देखते हैं क्या क्या कौन कौन से पेपर है, ठीक है, कौन कौन से पेपर यहाँ पे होने वाला है। देखिए सबसे पहले पेपर वन होगा, पेपर वन जनरल हिंदी एंड जनरल इंग्लिश का होगा, ठीक है, आधा जो होगा जनरल हिंदी, आधा होगा जनरल इंग्लिश, यानी कि 50-50 नंबर का। 100 नंबर का पेपर होगा, ठीक है, 3 घंटे का, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव नेचर में होगा, ऐसे उसे लिखना होगा, ठीक है, तो कम से कम 30 नंबर लेना आपके लिए मैंडेटरी रहेगा, 30 नंबर क्वालिफाइंग मार्क्स है, इतना तो लेना पड़ेगा, इतना तो लेना ही पड़ेगा, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश का कंबाइंड पेपर होगा 3 घंटे का, क्वालिफाइंग इन नेचर है, यानी कि इसके मार्क्स मेंस में काउंट नहीं होंगे, क्लियर। उसके बाद लैंग्वेज एंड लिटरेचर की बात करूं तो इसमें आपको एक लैंग्वेज चूज कर लेनी है, नीचे मैं आपको बताऊंगा 15 लैंग्वेज का एक ऑप्शन होता है जिसमें से आपको एक लैंग्वेज चूज करनी है फॉर्म भरते वक्त ही, तो उसके हिसाब से यहाँ पे पेपर होता है आपका 150 नंबर का रहेगा, डिस्क्रिप्टिव भी होगा, 3 घंटे का टाइम मिलेगा। उसके बाद तीसरा पेपर होता है सोशल साइंस का, ठीक है, जिसमें हिस्ट्री ज्योग्राफी होगा, हिस्ट्री और ज्योग्राफी 100 नंबर का, 200 नंबर का पेपर रहेगा, 3 घंटे का टाइम मिलेगा, 3 घंटे का टाइम मिलेगा। उसके बाद पेपर फोर होगा पॉलिटी को लेके, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गुड गवर्नेंस, तो 200 नंबर का ये रहेगा, 3 घंटे का समय इसके लिए मिलेगा। उसके बाद आता है पेपर फाइव इंडियन इकोनॉमी, ग्लोबलाइजेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इन सबको लेके 200 नंबर का रहेगा, 3 घंटे का टाइम इसके लिए मिलेगा। उसके बाद जनरल साइंस, एनवायरमेंट एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, 3 घंटे का टाइम रहेगा, 200 नंबर का पेपर होगा, 200 नंबर का पेपर ही ये होगा। तो ये रहा हमारा मेंस का पैटर्न, ये हमारा मेंस का पैटर्न। मैंने आपको बताया कि आपको एक चूज कर लेना है, क्या एक आपको चूज कर लेना है लैंग्वेज का सब्जेक्ट, तो इनमें से आप कोई भी लैंग्वेज का सब्जेक्ट अपना चूज कर सकते हैं, ओडिया, बंगली, उर्दू, संस्कृत, इंग्लिश, हिंदी, संथली, पंचपरगनिया, नागपुरी, मुंदरी, कुरुक्स, करमली, खोरता, खादिया, होल लैंग्वेज, कोई भी चूज कर सकते हैं आप, फॉर्म भरते वक्त ही चूज करना होगा, बाद में चेंज नहीं कर सकते। उसके बाद बात करें तो कितना परसेंट आपको दोनों पेपर में लेना मैंडेटरी होगा, ठीक है, नहीं तो आप क्या होगा, आप बाहर हो जाएंगे, ठीक है, चाहे प्रीलिम्स हो या मेंस हो, जो जनरल कैटेगरी है उनको यहाँ पर 40% नंबर लेने मैंडेटरी है एटलीस्ट, और पिछड़ा वर्ग वन, पिछड़ा वर्ग टू 34%, 36.5%, अनुसूचित जाति जनजाति महिला वर्ग 32%, आदिम जनजाति 30%, इनको इतना लेना मैंडेटरी है, ठीक है, इनको इतना लेना मैंडेटरी है। और हिंदी जो इंग्लिश वाला पेपर था, ये मैं आपको बताया था 30 नंबर आपको इसमें लेके आना, बट ये क्वालिफाइंग नेचर है, इसके मार्क्स काउंट नहीं होते, इसके मार्क्स काउंट नहीं होते। चलिए अब देखेंगे उसके बाद क्या रहता है, इंटरव्यू, पर्सनैलिटी टेस्ट, 100 नंबर का आपका रहता है इंटरव्यू। तो मेंस के मार्क्स प्लस आपके इंटरव्यू के मार्क्स, इनके बिहाफ पे आपका होगा फाइनल सिलेक्शन। तो देखिए झारखंड वाले इस पीसीएस के अंदर हमने क्या देखा कि सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंस है ना वो झारखंड जीके की है, बहुत अच्छी इंपॉर्टेंस यहाँ पे झारखंड जीके की हमने देखी। जीएस तो चलो हर स्टेट के सिविल सर्विसेज एग्जाम में आती है, बट 100 नंबर का सीधा प्रीलिम्स में एक पेपर हो रहा है, 100 नंबर का सीधा प्रीलिम्स में एक पेपर ही हो रहा है झारखंड की स्टेट की जीके को लेकर, तो इस बात का ध्यान रखना है कि इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है, क्लियर। चलिए अब बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे अभिमन्यु आईएएस की। अभिमन्यु आईएएस आपके लिए लेके आया है एक कंबाइंड स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जाम प्रिपरेशन कोर्स, एक कंबाइंड स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जाम प्रिपरेशन कोर्स, जो कि आपको टोटली हेल्प करेगा इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए, किसी भी स्टेट का पीसीएस क्रैक करने के लिए आपको टोटली हेल्प करेगा, क्योंकि अभिमन्यु आईएएस पिछले 22 सालों से 1500 से ज्यादा सिलेक्शन दे चुका है इन द फील्ड ऑफ सिविल सर्विसेज एंड स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जाम। यहाँ पे बहुत सारी सिलेक्शन हमने दी है, तो एक कोर्स हम आपके लिए लेके आए हैं, एक कोर्स हमने आपके लिए लॉन्च किया है, दैट इज अ कंबाइंड स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जाम कोर्स, जिसकी ड्यूरेशन रहेगी 6 महीने के अंदर आपको पूरा कंप्लीट